Students, today we are going to discuss a very famous lesson from your course syllabus. That one is known as Mother's Day. Yes, Mother's Day is written by, has been written by Zevi Priestley. And students, Mother's Day is given to you in a play mode. And students, you know very well that in plays, there are several characters. In dramas, there are several characters. And through the conversation among the characters, the story proceeds further. Students, ये story एक माँ की कहानी है. उस माँ की कहानी जो 2400 घंटे हमारे लिए तत्पर रहती है, जो हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है. उस माँ की कहानी है ये, जिस माँ के काम को कभी नोटिस नहीं किया जाता, जिस माँ के काम के लिए कभी उसे वेजेस नहीं दिए जाते. और वेजेस तो छोड़ दीजिए, कभी उसके काम के लिए थैंक्स तक नहीं होता. स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज वेरी मच लविंग, वेरी मच टचिंग. इट गिव्स अस अ वेरी गुड लेसन. दिस स्टोरी हैज एन इंटीमेट मॉरल टू ऑल ऑफ अस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स फर्स्ट. एनी पियर्सन, इनको हम मिसेस पियर्सन के नाम से जानेंगे. इनका पूरा नाम एनी पियर्सन है. सी इज अ सिंपल हाउसवाइफ, सी इज अ क्वाइट नॉर्मल लेडी. बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली भाली है. घर में तीन लोगों का ख्याल रखती हैं. इनके हस्बैंड हैं जॉस पियर्सन, जो बाहर नौकरी करते हैं. इज अ पॉम्पस, थोड़ा दिखावे वाले व्यक्ति हैं. डोरिस पियर्सन इनकी बेटी है, जो बाहर नौकरी करती है, थोड़ी नकचढ़ी है, थोड़ा गुस्से वाली है. सारिल पियर्सन इनका बेटा है, जो थोड़ा बिगड़ैल बेटा है, दोस्तों में ज्यादा समय जाया करता है, बाहर नौकरी भी करता है. और फिफ्थ कैरेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, दैट वन इज नोन एज मिसेस फिट्ज़रॉल. मिसेस फिट्ज़रॉल एनी पियर्सन की पड़ोसन है, जो भी हाल ही में आई. नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द मेजर फैक्ट्स ऑफ दिस लेसन. आज एनी पियर्सन अपने घर पर अकेली है. सब लोग काम करने अपने अपने कार्यस्थल पर जा चुके हैं. एनी पियर्सन घर में अकेली है. उधर फिट्ज़रॉल्ड भी अपने घर में अकेली है. मन किया चलो पड़ोसन के घर चलते हैं. फिट्ज़रॉल्ड चली आती है एनी पियर्सन के यहां. मिसेस पियर्सन को अकेला पाकर दोनों आपस में घुल मिल कर बातें करने लगते हैं. स्टूडेंट्स, व्हेन टू वुमन सिट टुगेदर, व्हाट हैपेंस? दे स्टार्ट शेयरिंग देयर इमोशंस टू ईच अदर ओपनली. मिसेस पियर्सन बताती कि उनके काम की कोई कीमत नहीं. सब लोग बाहर से काम करके आते हैं तो सब लोग धौंस जमाते हैं कि बहुत काम करके आए हैं. सब लोग हमको ऑर्डर्स दे के चले जाते हैं और सबके ऑर्डर्स की पूर्ति करना मेरी जिम्मेदारी होती है. मिसेस फिट्ज़रॉल्ड उनको समझाती है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड. यू शुड बी क्वीन इन योर हाउस. तुम्हें आदेश देना चाहिए, तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा हार्ड होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा हार्श होना चाहिए उनके प्रति. वो कहती है, हाँ सोचती तो मैं भी हूं ऐसा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती. आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं. जैसे ही वो ऐसे कहती है, उनका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है. माई गॉड, दिस टाइम टू कम बैक, एवरी वन माइट बी कमिंग हियर. सब लोग आ रहे होंगे, चाय का समय हो गया है, अभी चाय भी नहीं बनी है. फिट्ज़रॉल्ड कहती है, सिट डाउन, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट. यहीं से शुरुआत करो, मत बनाओ चाय. लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दो. मिसेस पियर्सन थोड़ा घबरा जाती है, कहती है, सॉरी आई कैन नॉट डू इट, आई लव देम वेरी मच. काम करके वो आएंगे, थके रहेंगे, उनको चाय चाहिए. तब तो नहीं हो पाए. फिट्ज़रॉल्ड कहती है, तब तो नहीं हो पाए. अगर तुम नहीं कर सकते तो लेट मी डू, मुझे करने दो. मिसेस पियर्सन करती है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन आई अलाउ अ थर्ड पर्सन टू डू समथिंग बेटर फॉर माई ओन फैमिली. मेरे परिवार वाले आपकी बात क्यों मानेंगे? तुमने समझा नहीं मैं क्या कह रहा था. इससे आई हैव लर्नड एन आर्ट, बताती है कि इससे पूर्व के देशों से हमने एक क्लासिक की है, सोल एक्सचेंज की, बॉडी एक्सचेंज की. आओ हम लोग बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं.
मैं तुम हो जाते हो और तुम मैं हो जाते हो. वी विल एक्सचेंज, वी विल चेंज आवर सोल्स, वी चेंज आवर बॉडीज. मिसेस पियर्सन को यकीन नहीं होता. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. आई हैव डन इट मेनी टाइम्स. हालांकि थोड़ा ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी भी मैं कर लूंगी. समहाउ शी मैनेजेस और उनको राजी कर लेती है. मिसेस पियर्सन को उनका हाथ अपने हाथ में लेती है और एक मंत्र पढ़ती है, और मंत्र के बाद दोनों की आत्माएं बदल जाती हैं, दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है. अब जो मिसेस पियर्सन दिख रही है इन रियल सेंस, दैट इज फिट्ज़रॉल्ड, और जो फिट्ज़रॉल्ड दिख रही है फिजिकली वो मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन की बॉडी, मिसेस पियर्सन की सोल उस बॉडी में चली जाती है और फिट्ज़रॉल्ड की सोल मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है. अब मिसेस रियल मिसेस पियर्सन अर्थात फिट्ज़रॉल्ड के रूप में देखी जाने वाली महिला पूछती है, मैं क्या करूं? आप मेरे घर चले जाओ, जाके आराम करो, एक दो घंटा देखो. एंड दिस इज द टाइम टू कम फॉर ऑल पीपल, लेट देम कम. मैं उनको सबक सिखाती हूं. और उनको वो उनके घर भेज देती है और अपने सोफे पे बैठ जाती है. एंड देन से स्टार्ट्स स्मोकिंग. इसी बीच डोरिस पियर्सन आती है. डोरिस पियर्सन आते ही पूरा आसमान अपने सर पर लिए हुए अपनी मां से बाहर से चिल्लाती हुई आ रही है, मां चाय रेडी है क्या? मां मेरे कपड़े येलो सिल्क प्रेस हो गए हैं क्या? मुझे बाहर जाना है, मेरे पास समय नहीं है. आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम एट ऑल. मां कहती है, मैंने तो चाय पी ली, उनको पीनी है, जाके बना लो. इतना जब कहती है मां, तब वो मां की तरफ देखती है और देखती है कि वो सिगरेट पी रही है. एंड She is quite surprised to see it. What are you doing? ये क्या कर रही हो तुम? मां कहती, क्यों? सिगरेट पी रही हूं. हां, तुम सिगरेट तो नहीं पीती हो, तुम ऐसा सोचते हो, मैं सिगरेट पीती हूं. और रही चाय बनने की बात, तो मैंने चाय पी ली है, तुम अपनी चाय बना लो. बड़ा अजीब सा लग रहा है, मां मेरी कभी ऐसे बात नहीं करती थी. डोरी पियर्सन सोचती है, मेरी मां ऐसे कभी बोलती नहीं थी, ये ऐसे क्यों बोल रही है? कहां बाहर जाना है, क्यों कपड़े चाहिए, प्रेस नहीं हुए, मेरा मन नहीं किया करने का, जाके कर लो. और कहां बाहर जाना है, बताती है, मुझे चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना है. चार्ली स्पेंस, वो हाफ फिटेड, वो बक टीथ वाला, उसके साथ बाहर जाना है. उसकी बॉयफ्रेंड को बहुत इंसल्ट करती है और उसके इस इंसल्ट से बहुत हर्ट हो जाती है डोरिस. डोरिस रोने लगती है, भागकर दूसरे कमरे में चली जाती. मां मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो, आप ऐसे कभी बोलते नहीं थे, ये क्या हो गया आपको? ऐसा बोलते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है. अब बारी है सैरिल पियर्सन की. सैरिल पियर्सन आते हैं उधर से ही पूरा धमाल मचाते हुए, मां कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है. अपना तमाशा दिखाते हुए घर में आते हैं और घर में आते हैं, मां को देखते हैं और मां का तेवर देखते हैं तो इनकी भी जमीन खिसक जाती है. कुछ भी तैयार नहीं है खाने, जाके बना लो अपने से. और तुम्हारे कपड़े हमने मेंड नहीं किए, क्यों नहीं किए? मुझे मेरा मन नहीं किया करने का. नहीं किए तो क्या हुआ, जाओ तुम कर लो. और तुमको तो हमेशा अपने दोस्तों की पड़ी रहती है, तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, जाओ घूम लो. मां के इस बदले हुए व्यवहार को सैरिल पियर्सन भी समझ नहीं पाता और उस अपनी बहन डोरिस पियर्सन के पास जाता है, अपनी बहन को रोते हुए देखता है, पूछता है कि अब तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ क्या? बताती है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ. थोड़े दो दुखी आपस में अपने दुखों को शेयर करते हैं और उनको इस बात की खुशी होती है कि किसी एक के साथ नहीं हुआ, दोनों के साथ ऐसा हुआ. अब डोरिस पियर्सन और सैरिल पियर्सन भाई बहन दोनों आपस में बात करें कि क्या हो गया है, मां को कहीं सर में चोट तो नहीं लगी है, कहीं वो पुराना घाव तो नहीं भर गया है, कहीं पागल तो नहीं हो रही है. ऐसा सोचते हुए दोनों आपस में बात कर रहे हैं. फिर बाहर आते हैं और बाहर मां पूछती है, घर में थोड़ा स्टाउट है क्या? स्टाउट इज अ ड्रिंक. स्टाउट, ये स्टाउट पीने का समय है. हाँ मेरा मन कर रहा है. हाँ तो पड़ी होगी एक आध बोतल. स्टाउट लेने वो जाने लगती है. स्टाउट लेकर जब आती है वापस तो देखती है कि दोनों आपस में बातचीत करके हंस रहे हैं. पूछती, क्यों हंस रहे हो? कुछ हंसने वाली बात हो तो बताओ. जिस उम्र के हो उसी उम्र में रहो, थोड़ा संयम से काम लो और थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना सीखो. क्यों हंस रहे हो बेमतलब? डोरिस कहती, क्या आप हम हंस भी नहीं सकते क्या? नहीं, हंस सकते हो. अगर कोई हंसने वाली बात हो तो मुझे भी बताओ. I should also laugh. नहीं मम्मा, आपको नहीं समझ में आएगा ये जोक. कहती, जब तुम्हारी उम्र में थी ना
तो ऐसे जोक पर मुझे हंसी नहीं आती थी। सरल पियर्सन कहता है, मामा देखो हम लोग बाहर से काम करके आए हैं, आई डोंट हर्ट अस, डोंट टीच अस, बे मतलब आप मत डांटिए, हम लोगों ने किया क्या है? ताकि यही तो बात है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोग कभी कुछ करते भी नहीं हो, करना चाहिए ना। सरल पियर्सन पूछता है कि हम लोग बाहर से काम करके आए, हम लोग 8 घंटा काम करके आए हैं। बोली क्यों, मैं बैठी थी क्या? मैं भी घर में काम करती हूं, मैं भी 8 घंटा काम करती हूं। तुम लोगों को तो 8 घंटे काम करने के बाद, 1 हफ्ते के बाद तुम लोगों को वीकेंड मिलती है, छुट्टी मिलती है हफ्ते में 2 दिन, और मुझे तो रोज का 7 दिन का काम है, 8 घंटे से ज्यादा का काम है, कोई सैलरी भी नहीं मिलती, कोई थैंक्स भी नहीं मिलता, कोई उसको नोटिस भी नहीं करता, कंटिन्यूअसली मैं करती जाती हूं, इस काम की तो कोई वैल्यू नहीं। दोनों एक साथ बोलते हैं कि उस काम में और इस काम में फर्क है। यस यू आर राइट, इस काम में उस काम में फर्क है। अब चलो अब से हम भी वीकेंड पर जाएंगे, सिर्फ 5 दिन हफ्ते में 5 दिन मैं काम करूंगी 8 घंटे, और उसके बाद 2 दिन की मेरी भी छुट्टी, संडे को सैटरडे को काम नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, और बाहर जाऊंगी आउटिंग के लिए। किसके साथ? डोरिस पूछती किसके साथ जाओगी? मेरा मन, जिसके साथ मैं करूंगा, मन करेगा उसके साथ जाऊंगी। क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं किसके साथ जाऊं? डोरिस पियर्सन और मां के बीच एक टकटक चल रही है। इसी बीच बहुत अगली लग रही हो तुम, मिसेस पियर्सन बोलती है, तुम आज बहुत अगली लग रही हो, बहुत बुरी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। डोरिस पियर्सन कहती है, आप ही ने बनाया मुझे, आप ही ने डांट दिया, आप ही ने मुझे रुला दिया, अभी ये सब चल ही रहा है। दोनों बच्चे आपस में कल्पना करते हैं, अगर पापा आते हैं और पापा के साथ भी अगर ऐसा होता तब क्या होगा। इसी बीच दरवाजा नॉक होता है और जॉर्ज पियर्सन भी वहां हाजिर हो जाते हैं। अपनी लाडली बिटिया को रोते हुए देखकर उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। उसने क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रही है? ओ, मिसेस पियर्सन की तरफ देखकर पूछते हैं, और मिसेस पियर्सन है कि बहुत गंभीर मुद्रा में स्टाउट पी रही है। इस समय तुम स्टाउट पी रही हो, ये स्टाउट पीने का समय है, क्यों, कोई अपराध है क्या इस समय स्टाउट पीना? अपने हस्बैंड से भी थोड़ा अकड़ के बात करती हूँ, फिर क्यों रो रही है उसी से पूछ लो। उसकी तरफ देखते हैं तो रोती हुई फिर डोरिस दूसरे कमरे में चली जाती है। जॉर्ज पियर्सन की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, अंदर से गुस्सा भी आता है, और कहते हैं कि देखो मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, मुझे क्लब जाना है, और क्लब में आज एक पार्टी है, और बहुत ग्रैंड पार्टी है, बहुत सारी तैयारियां हैं, फ्रेंड्स मेरे इंतजार कर रहे होंगे, आज चाय नहीं पीनी है। ये कहती मिसेस पियर्सन कहती, चलो ऐसे भी चाय नहीं बनी, नहीं पीनी है तो बहुत अच्छी बात, चाय बनी नहीं। इधर जॉर्ज कहती चाय नहीं बनी, अगर मुझे चाय पीनी होती तो तब क्या होता, चाय तो बनी नहीं, गजब आदमी हो। एनी पियर्सन कहती है, अजीब से बेइज्जती हो तुम, तुम ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाना और वेटर पर गुस्सा आ जाना कि तू उसने लाकर तुमको कुछ सर्व क्यों नहीं किया, तुम्हें चाहिए कुछ नहीं हो, तुम्हें कॉफी नहीं पीनी है, और वेटर पर नाराज हो जाओगे तुमने मुझे कॉफी क्यों नहीं सर्व की। तुमको सब लोग बुद्धू कहेंगे, सब तुम पर हंसेंगे, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और ऐसे ही नहीं तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको ओम्पी पोम्पी पियर्सन कहते हैं, ओम्पी पोम्पी पियर्सन। जॉर्ज तिलमिला जाता है यह बात सुनकर, अपनी बीवी के मुंह से, अपनी पत्नी के मुंह से अपनी ये बेइज्जती, अपना ये इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कहता बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दोस्त मेरे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और तुम तो मेरे साथ कभी गई नहीं हो क्लब। सारे को बुला के पूछ लो, सारे मेरे साथ गया है, और पूछ लो क्या मेरे दोस्त मुझे ओम्पी पोम्पी पियर्सन कहते हैं। सारल आता है, सारल से पूछता है, क्यों सारल तुम तो मेरे साथ क्लब गए हो, जरा मम्मी को बताओ कि मेरे दोस्त मुझे ओम्पी पोम्पी पियर्सन कहते हैं। सॉरी पापा, यस दे से। अब वहां थोड़ा शर्मा जाता है, और जॉर्ज पियर्सन नीचे देखने लगता है, गुस्सा दिमाग में बहुत है। इसी बीच ये बातचीत चल ही रही होती है, तब तक बाहर कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा जब कोई नॉक करता है तो समवन हैज़ टू कम इन। साइरन थोड़ा आगे बढ़ के देखता और झांक के पिप होल से झांक कर देखता है, कहता ओ पड़ोस वाली मोटी वाली महिला, उसे क्या पता कि वो मोटी वाली महिला घर में ही बैठी है, वो मोटी वाली फिट्ज़रॉल्ड बाहर खड़ी है। अब मिसेस पियर्सन के रूप में बैठी हुई फिट्ज़रॉल्ड को बहुत गुस्सा आता है, रियल में तो ये फिट्ज़रॉल्ड
देखने में पियर्सन है। इनको बहुत गुस्सा आता है कि ये मुझे मोटी वाली महिला कह रहा, तमीज सीखो बात करने की, जाओ दरवाजा खोलो। और जब अंदर आती हैं मिसेस फिट्ज़रॉय तो अंदर का सीन देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, चारों तरफ तनाव दिख रहा है, सबके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है, अंदर से अंदर अंदर वो बहुत परेशान होती है। मिसेस पियर्सन कहती हैं सारल से कि माफी मांगो आंटी से, तुमने उनको मोटी कहा, माफी मांगो। जबरदस्ती माफी मंगवाती, वो कहती है नो 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 नो, देयर इज नो नीड टू टेल सॉरी, ओके एवरीथिंग इज ओके। नो ओके कैसे? इसी बीच फिट्ज़रॉय पूछ देती है डोरिस से, डोरिस व्हाई आर यू सो सैड, आज तक तुम्हें बाहर जाना था, क्यों नहीं गई? डोरिस को बड़ा गुस्सा आता है, इधर मम्मी ने डांटा, इधर बाहर नहीं जा पाई, इधर चार्ली स्पेंस के बारे में मम्मा ने इतना सब बोल दिया, और इधर से ये पड़ोसन पूछ रही क्यों नहीं गई, जले पर नमक जैसा, आपसे मतलब? डोरिस पूछती है उनसे, आपसे मतलब? व्हाई शुड आई टेल यू, व्हाई डिड आई नॉट गो आउट? यह बात पियर्सन को खराब लगती है। अब पियर्सन कहती है माइंड योर लैंग्वेज, इज दिस द वे टू टॉक टू योर एल्डर्स, ये तरीका है बड़ों से बात करने का, माफी मांगो आंटी से। आंटी कहते नो नो देयर इज नो नीड, लेकिन डोरिस पियर्सन को भी माफी मांगनी पड़ती है। इसी बीच जॉर्ज पियर्सन का अंदर का हस्बैंड जाग जाता है, अंदर से उन्हें यह एहसास होता है कि अब उनको इंटरफेयर करना चाहिए, ज्यादा बोलती हुई अपनी बीवी की बोलती बंद करनी चाहिए, थोड़ा डांटने के अंदाज में, क्या तमाशा मचा रखा है, सारे बच्चे रो रहे हैं, क्या हुआ है आज आपको, तुमको, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो सबको, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल, तुम तो चुप ही रहो। इसी बीच फिट्ज़रॉय पूछती है जॉर्ज क्या हुआ, जॉर्ज को एक पड़ोस की महिला से अपना नाम पुकारा जाना बड़ा अजीब लगता है, कहता है कि ये कैसे पड़ोस की महिला मेरा नाम जॉर्ज कैसे बुला दी, थोड़ा नाराजगी जताते हैं, और नाराजगी जताते हैं तो उनकी पत्नी पियर्सन उनको डांटना शुरू करती है, क्यों तुम कहीं के बादशाह हो, कहीं के ड्यूक हो, तुमको अगर उन्होंने जॉर्ज कह दिया तो क्या हो गया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अब एक पड़ोसन के सामने अपनी बीवी से इस तरह की बेइज्जती, इस तरह का इंसल्ट जॉर्ज को बड़ा खराब लगता है। जॉर्ज थोड़ा चिल्ला पड़ते हैं, और चिल्ला पड़ते हैं तो मिसेस पियर्सन खड़ी हो जाती है, ज्यादा चिल्ला चाटा मार दूंगी, आई विल गिव यू सम स्लैप्स। बात यहां तक जब पहुंचती है तो फिट्ज़रॉय से बर्दाश्त नहीं होता, फिट्ज़रॉय उठकर तुरंत खड़ी हो जाती है, जो अंदर से रियल मिसेस पियर्सन है उठकर खड़ी होती है, कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो दिस इज नॉट गुड, स्टॉप इट हियर। और उन तीनों लोगों से, डोरिस से, साइरल से एंड जॉर्ज से रिक्वेस्ट करती है कि हमें इनसे कुछ खास बातें करनी है, और इफ यू डोंट माइंड गिव मी सम टाइम, गिव मी सम मिनट्स, हमको अकेले में छोड़ दीजिए, हम दोनों को कुछ आपस में बात करनी है, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉर्ज पियर्सन को लगता है कि हो सकता है कि ठीक हो जाए, और अपने बच्चों को लेकर वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर देती है पियर्सन, फिट्ज़रॉय जो पियर्सन है वास्तव में, और दरवाजा बंद करके इनके पास आती है, कहती है इट्स एनफ, इट्स क्वाइट एनफ, आई कांट टॉलरेट इट, स्टॉप इट नाउ, आओ हम लोग फिर से एक्सचेंज करते हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा यह दिया गया लेसन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिट्ज़रॉय कहती है अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ी और जरूरत है, चूड़ी थोड़ी और टाइट करने की जरूरत है, दे ऑल विल बी ऑन द ट्रैक, कहती है नो नो अब कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, और दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर रियल पियर्सन हो जाती है, फिट्ज़रॉय फिट्ज़रॉय हो जाती है। फिट्ज़रॉय अपनी पियर्सन को सलाह देती है कि देयर्स नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाई यू डिड सो, तुमने ऐसा क्यों किया, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अगर तुमने एक्सप्लेन कर दिया इन लोगों के सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया तो सर्टेनली सब किया दिया सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, और जानते हो तुम जो चाहोगे वो ये लोग कर सकते हैं, क्या करवाना चाहते हो? पियर्सन कहती है कि बहुत दिन हो गया रूमी खेले हुए, बहुत दिन हो गया सबके साथ खाना खाए हुए, आज मेरी इच्छा है कि सब लोग घर पर रहें और सब लोग साथ साथ खाना खाएं। फिट्ज़रॉय कहती है कि सब मानेंगे,
तुम एक बार आदेश के रूप में थोड़ा कड़क आवाज में थोड़ा गुस्से में अपना ये आदेश सुनाओ, देखो कैसे सब लोग मानते हैं। और दरवाजा खोलती है, परिवार के सभी सदस्य अंदर आते हैं। अंदर आते हैं तो सब डरे से सामने से चुपचाप खड़े होते हैं। मिसेस पियर्सन के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट नहीं है, थोड़ा गंभीर मुद्रा अपने चेहरे पर बनाकर बोलती है, आज मेरी इच्छा है कि घर से कोई बाहर नहीं जाएगा और खाना आज डोरिस पियर्सन और सैरिल पियर्सन दोनों लोग मिलकर बनाएंगे और हम और जॉर्ज पियर्सन अर्थात एनी पियर्सन एंड जॉर्ज पियर्सन रूमी खेलेंगे। जब खाना रेडी हो जाएगा तो साथ में हम खाना खाएंगे और फिर साथ में हम लोग सब लोग रूमी खेलेंगे। जॉर्ज पियर्सन कहते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं भाई, आई हैव नॉट टू गो आउट। डोरिस थोड़ा हिचकिचाती है, डांटती है एक बार, क्या कहा तुमने, जरा फिर से एक बार करना। अरे नो नो कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो रेडी। और बच्चे उधर खाना बनाने चले जाते हैं। जॉर्ज पियर्सन इनके साथ बैठकर रूमी खेलने लगते हैं एंड फिट्ज़रॉल्ड गोज़ टू हर ओन हाउस एंड दस द स्टोरी गोज़ टू इट्स एंड। द स्टोरी हैज अ वेरी इंटीमेट लेसन, व्हाई नॉट टू केयर आवर मदर, व्हाई नॉट टू नोटिस हर वर्क एंड व्हाई नॉट टू फील हर सैक्रिफाइसेस। अपनी मां के उस बलिदान को क्यों न पहचाना जाए। नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू डिस्कस द कैरेक्टर स्केच। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर स्केच आता है मिसेस पियर्सन का। मिसेस पियर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एक सॉफ्ट हार्टेड लेडी है, बहुत नॉर्मल है, बहुत इनोसेंट है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। अगर हम फिट्ज़रॉल्ड की बात करें तो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड है और रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चलने वाली महिला है। और अगर डोरिस पियर्सन की बात करें तो मॉडर्न गर्ल है, ये एक मॉडर्न गर्ल है, थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा नॉट केयरिंग है, थोड़ा लापरवाह भी है। अगर साइरिल की बात करें तो वर्किंग तो है ये, लेकिन दोस्तों में ज्यादा समय जाया करता है, थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल भी है, अपने काम खुद नहीं करता, थोड़ा लेजी भी है। और अगर जॉर्ज की बात करें तो ये भी एक लेजी मैन है, ये भी एक पॉम्पस है, नौकरी तो जरूर करते हैं, अपना ज्यादा समय बाहर गंवाते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली के लिए केयरिंग नहीं है, बच्चों से बहुत प्यार है लेकिन पत्नी को बहुत केयर नहीं करते। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू फाइव क्वेश्चंस। दीज फाइव क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। दीज क्वेश्चंस you have to write, you have to solve, and writing the answer of these questions you have to send me to my email.